ग्रीन बॉन्ड्स म्यूनिसिपल बॉडीज इशू करती है, जो दूसरे बॉन्ड्स की तरह ही लोगों से फंड रेस करने का एक तरीका है। अभी तक कुल 9 सिटीज इन बॉन्ड्स को इशू कर चुकी है। जनरली ये बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर ही अलॉट किए जाते हैं, पर ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई म्यूनिसिपल बॉडी सीधे रिटेल इन्वेस्टर को ये बॉन्ड इशू करेगी। IMC यानी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाएगी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू करने जा रही है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में 60 मेगावाट सोलर PV प्लांट MP को फाइनेंस करना है। इसके बाद IMC कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। IMC ये बॉन्ड्स 8% टू 8.25% तक के इंटरेस्ट रेट पर ऑफर करेगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 305 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें से IMC करीब 244 करोड़ रुपीस NSE पर लिस्टिंग करके जुटाएगी। इन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 1000 रुपीस होगी, जिसके लॉट साइज करीब 10 बॉन्ड्स की होगी। 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 2500 रुपए के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसका रीपेमेंट फिर एक एक करके 3rd, 5th, 7th और 9th ईयर होगा। NSE पर लिस्टिंग हो जाने के बाद हर एक पार्ट NSE पर ट्रेडेबल होगा और आप इसे NSE पर बाय और सेल भी कर सकते हैं। बॉन्ड इस बात से और इंटरेस्टिंग बन जाता है कि इसका कूपन रेट हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट के साथ इसकी एनुअल यील्ड को भी अट्रैक्टिव बना रहा है। माना जा रहा है कि ये बॉन्ड 10 से 15 गुना तक ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है, इसीलिए इस बॉन्ड का अलॉटमेंट एक तरह से लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर किया जाएगा, जैसे कि IPO के अलॉटमेंट में होता है। अभी तक IMC का ट्रैक रिकॉर्ड टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट और ड्यू डेट्स पर सिंकिंग फंड ट्रांसफर को लेकर बहुत अच्छा रहा है। माना जा रहा है कि ये 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान ही इशू किया जाएगा। इन्वेस्टर्स की बात करें तो हर बॉन्ड होल्डर को नंबर ऑफ सोलर यूनिट्स जनरेटेड का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बॉन्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर्ड एस्क्रो मैकेनिज्म विद DSRA की वजह से फुल्ली सिक्योर्ड है। इसे इंडिया रेटिंग से AA+ और केयर रेटिंग एजेंसी से AA की रेटिंग्स मिली है। ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए आज ही इंदौर 311 ऐप पर लॉग इन कर निवेश करें।